दोस्तों चैनल के उत्ते तुहाडा स्वागत है। अज दी इस वीडियो दे विच असीं निर्देश अंक संबंधी जिहड़ी जानकारी है वह एक्टिविटी दे राहीं किस तरह असीं शेयर करनी है, किस तरह देनी है जानकारी, उस दे बारे गल करांगे। सो निर्देश अंक जमैती कोऑर्डिनेट जमैट्री। सो ग्राफ प्लॉट करन दे लई जां तां तुसीं ग्राफ पेपर यूज कर सकते हो या ईवन तुसीं मैथ्स की जिहड़ी शीट है उसके उपर भी आसानी दे नाल जिहड़ा निर्देश अंक जमैती है प्लॉट हो जाती है, क्योंकि ये भी साढ़े पास बॉक्सिज है तो ग्राफ के उपर भी साढ़े पास की होंगे ने बॉक्सिज होंगे ने। थोड़ा यह शार्प है क्योंकि ये बॉक्सिज के भी अगर पार्ट्स किए हुए हैं तो यह थोड़ा शार्प हो जाता, बट जेकर तुहाडे पास ये अवेलेबल नहीं है तुसीं ये भी यूज कर सकते हो मैथ की शीट। जेकर ग्राफ अवेलेबल है तो बहुत अच्छी गल है। इस तो बिना तुहानू स्केल पेंसिल या पेंसिल की जगह पर तुसीं कोई स्कैच यूज कर सकते हो ब्लैक। सो गल करते हैं निर्देश अंक जमैती की या निर्देश अंकों की। सो जदों कदे भी असीं कोऑर्डिनेट जमैट्री या निर्देश अंक जमैती बारे किसी नाल जानकारी सांझी करनी है, सब तो पहला साढ़े पास दो साढ़े धुरे एक्सिस आते हैं, एक एक्स एक्सिस ते एक वाई एक्सिस, धुरे बोलते हैं इन्हां नूं असीं। सो एक साढ़े पास एक लेटवां धुरा है, एक साढ़े पास खड़वां धुरा है। लेटवां साडा एक्स है होरिजोंटल लाइन, खड़वीं साडी वाई है। सो असीं प्लॉट कर लैंदे इन्हां नूं बिल्कुल सेंटर दे विच। ये साड़ी खड़वी लाइन जिहड़ी है ये साड़ी वाई एक्सिस है, इसनूं असीं वाई धुरा बोलते हैं। इस तरह असीं एक लेटवीं लाइन ड्रॉ कर लैंदे कितें भी। सो ये साड़ी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, दोनों साइड वधा सकते हैं असीं इसनूं। सो ये साड़ा की है एक्स एक्सिस, ये नैगेटिव एक्स एक्सिस हो गया साडा। इसे तरह यह वाई एक्सिस है, ये वाला साडा की होगा नीचे वाल नैगेटिव वाई एक्सिस। सो दोस्तों ये साड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसनूं असीं एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये साड़ी वर्टिकल लाइन है, खड़वीं लाइन है, इसनूं असीं वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई तरह बोलते हैं। सो जिथे ये कटते ने इस बिंदु नूं असीं बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। सो जिहड़ियां साडे पास दो रेखावां ने, दो साडे धुरे ने एक्सिस ने, इह साडे शीट नूं साडे प्लेन नूं चार हिस्सिआं दे विच वंडदे ने। इस नूं असीं बोलदे हां पहली चौथाई, इह साडी दूसरी चौथाई है, दूजी चौथाई सैकंड क्वाड्रेंट इस तरह लिखदे हां असीं, इह साडी तीजी चौथाई है, इह साडी चौथी चौथाई है, चौथा हिस्सा का क्वाडर। सो फस्ट क्वाडरेंट, सैकंड क्वाडरेंट, थर्ड क्वाडरेंट, फोर्थ क्वाडरेंट, मूल बिंदु साडा ये है, इत्थों असीं स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट की करना है, असीं इत्थे बिल्कुल सिचुएशन जिहड़ी साडी है स्टार्टिंग इनिशियल पोजिशन है साडी, जदों शुरुआती है भाव असीं बिल्कुल नहीं हिले 0.0 है, ना असीं एक्स वल गए हैं ना असीं वाई वल गए हैं। जे असीं एक्स वल चलते हैं सपोज ये साडा फस्ट स्टैप है, ये सैकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सैवन है, ये एट है। नंबरिंग कर सकते हैं असं उपर बाद इतनी जगह नहीं है तो उपर लिख देना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह इधर नैगेटिव -1, -2, -3 जिमें संख्या रेखा बनाने असं -5। उपर वाल वाई पॉजिटिव है, सैकेंड 3, 4, 5, नीचे वाल वाई नैगेटिव -1, -2, -3, -4। सो असी किसी भी बिंदु के जिहड़े निर्देश अंक वो लिखते किवें उन्होंने असी मैनशन किस तरह करना है। सो असी उस दे विच जिहड़ा एक्स पॉइंट है असी अगे लिखते हैं, तो वाई किसी भी पॉइंट पी के जिहड़े साडे निर्देश अंक ने कोऑर्डिनेट्स ने असी इस फॉर्म लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। तो प्लॉट किवें करना, दसना किवें कि पॉइंट कितने, सपोज ए वाला पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स की ने, तो देखो असी ए ते पहुंचना है तो असी पहला इत्थों चलना, इत्थे खड़े हैं, हर बार इत्थों स्टार्ट करना, असी पहला असी हॉरिजॉन्टल मूव करना है लेटवे तरीके नाल, तां इधर वल गए असी चार ते पहुंचे हैं। सो एक्स किन्ना हो गया साडा चार,
चार ते जाके असीं टर्न लेना जां उपर वाल जां नीचे वाल, तां इह उपर है तां मैं उपर वाल टर्न लैना है, तां इत्थे पहुंचे तां इहदे कोरसपोंडिंग वाई किन्ना इहदे सामने, तां वाई थ्री है क्योंकि इह साडी एक्स फोर्थ लाइन है ते वाई दी फस्ट सैकेंड थर्ड लाइन है, तां पॉइंट दे कोऑर्डिनेट्स की बन गए 4, 3। इसे तरह सैकंड क्वाड्रेंट दे विच वी असीं कोई पॉइंट ले सकदे, सपोज बी है इह, तां फिर इत्थों स्टार्ट करना असीं, तां बी किधर है, लैफ्ट साइड ते आ, राइट ते नहीं है, तो असं लैफ्ट चलेंगे, तो -1, -2, -3 इतों टर्न लेना, 9, -4 तो नहीं लेना, -5 तो टर्न लेना सी। बी ते पहुंचने लिए सानू दो स्टैप, 1, 2, तो एक्स साढ़े पास इधर नू -5 तक गए असी, तो उपर वाल असी 2 गए, वाई साडा पॉजिटिव है, एक्स साडा नैगेटिव है। सो हुण तक असी 3-4 चीज़ां सीखियां ने, ये साडा लेटवीं लाइन है, साड़ी अकड़वी है, साडा एक्स एक्सिस है, साडा वाई एक्सिस है, चार क्वाड्रेंट्स ने साडे पास, ये साडा मूल बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 ने, एक्स अगे लिखना, वाई पिछे लिखना है। सो जो पॉइंट पी का एक्स है, इसका भी असं नाम रखे है, इसमें अं बोलते हैं भुज, इंग्लिश बोलते हैं असं अबसीसा। वाई पार्ट में असं बोलते हैं जो वाई कोऑर्डिनेट है, इसमें बोलते हैं कोटी ऑर्डिनेट। एक्स नूं असीं बोलदे आं भुज ते वाई नूं बोलदे आं कोटी। सो नैक्सट इनफॉर्मेशन की है साडे पास, जेकर असीं इसे लाइन दे उपर तुरना होवे, असीं वाई वल ना जाणा होवे, सपोज मैं इत्थे पहुंच जांदा, वाई वल बिल्कुल नहीं गया, तां इस पॉइंट दे जिहड़े कोऑर्डिनेट्स ने की बने 4, 0, भाव इस तरह जिहड़ा लास्ट पार्ट है वाई है, जिहड़ी कोटी है उह की है 0 है। इसे तरह मैं जे इस पॉइंट ते जाणा होवे तां मेरे पास इहदे कोऑर्डिनेट की बणगे 6, 0। सो जे मैं इन्हां नूं कंपेयर करके देखा पॉइंट्स नूं, जिहड़े एक्स एक्सिस दे उपर पॉइंट्स ने उन्हां दी कोटी वाई की है 0 है। सो जदों असीं एक्स एक्सिस दे उपर कोई पॉइंट लैंदे आ तां उसदा वाई पार्ट की हुंदा, हमेशा 0 हुंदा। इसे तरह जे मैं वाई एक्सिस दे उपर कोई पॉइंट लैणा होवे फिर, सो जदों मैं वाई एक्सिस दे उपर पॉइंट लैणा है, तां देखो एक्स वल तां मैं बिल्कुल नहीं जाणा, सीधा वाई वल चले जाणा, सपोज इत्थे आ गए। सो एक्स वल तां असीं गए ही नहीं, 0, ते वाई वल किन्ना गए, 2। इत्थे आना होवे एक्स वल बिल्कुल नहीं गए, असीं मूव ही नहीं होए, सीधा वाई वल चल पे, एक्स 0, y 5। सो जिहड़ा पॉइंट वाई एक्सिस दे उपर लाई करता है उसका एक्स पार्ट की होगा, 0 होगा, जदों वाई एक्सिस दे उपर असीं गल करते हैं। सो दोस्तो इन्नी कु ग्राफ दे बारे जां तुहाडे कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स दे बारे जिहड़ी इनफॉर्मेशन है, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।